नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष अहलावत और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रिएट। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन मोटो E4 प्लस और लेनोवो के 8 के बारे में। दोनों ही फ़ोन नए लॉन्च हुए हैं, अभी अभी मार्केट में आए हैं। दोस्तों इतना पता नहीं है कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा होगा कौन सा बुरा होगा। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इन दोनों में कंपेरिज़न और इन दोनों फ़ोन्स में क्या प्राइस रेंज होगी और ये फ़ोन अवेलेबल कहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें इनके कंपैरिजन की तो दोनों ही फ़ोन लगभग सेम प्राइस रेंज में है। अगर मोटो E4 प्लस की बात करें तो ये मोटोरोला की तरफ से आता है और दूसरा फ़ोन K8 हमारा आता है लेनोवो की तरफ से। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन को। अगर बात करें दोस्तों स्क्रीन साइज़ की तो E4 प्लस में आपको 5.5 इंच की HD स्क्रीन मिलती है, यानी कि फुल HD स्क्रीन आपको नहीं मिलती है, लेकिन लेनोवो K8 में आपको 5.2 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलती है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो दोनों ही फोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। E4 प्लस में आगे की तरफ होम बटन पे है और लेनोवो K8 में पीछे की तरफ है। बात करें कैमरा की तो बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है E4 प्लस का, जबकि लेनोवो K8 में डुअल रेयर कैमरा है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा की बात करें तो E4 प्लस में 5 मेगापिक्सल कैमरा है विद LED फ्लैश, लेकिन K8 प्लस में आपको 8 मेगापिक्सल मिलता है विद नो फ्लैश। और बात करें मेमोरी की तो दोनों ही फ़ोन में 3GB रैम अवेलेबल है और 32GB रोम है। और तो दोस्तों मेमोरी तो सेम है दोनों की, मेमोरी में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो दोस्तों 128GB तब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड से। दोस्तों प्रोसेसर की अगर बात करें तो E4 प्लस में 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है और ये जो है MediaTek का 6737 प्रोसेसर है। और अगर बात करें K8 की तो इसमें आपको मिल जाता है Helio P25 जो कि 2.6 GHz पे ओक्टा कोर प्रोसेसर है। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी बैटरीज़ की। बैटरी में E4 प्लस काफ़ी आगे है, 5000 mAh की बैटरी है, कहते हैं 2 दिन तक चल जाएगी। और K8 में 4000 mAh की बैटरी, तो बैटरी में कोई ज़्यादा की डिफरेंस नहीं है, काफ़ी अच्छी बैटरीज हैं। वेट की बात करें तो E4 प्लस काफ़ी थोड़ा ज़्यादा वेट का है, 181 ग्राम वजन है इसमें, और K8 प्लस की बात करें तो 165 ग्राम वजन है। दोनों ही फ़ोन 4G वोल्टी पे काम करते हैं। दोस्तों आजकल इसके बिना तो काम चलता नहीं है, तो दोनों ही फ़ोन 4G वोल्टी पे हमारे काम करते हैं। बात करें अगर इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोनों ही फ़ोन एंड्रॉयड नोगट 7.1 पे काम करते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन नोगट 7.1 काफ़ी अच्छा है, पुराना भी नहीं है। और K8 प्लस कहता है कि आपको ओरियो का अपडेट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों प्राइस की बात कर लेते हैं, जो E4 प्लस है वो आपका आता है 9999 रुपये में और लेनोवो K8 आपका आता है 10999 रुपये में। 1000 रुपये का डिफरेंस है। मेरे ओपिनियन अगर आप जाने तो मैं आपको बताऊँ कि जो K8 प्लस है वो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा है। 1000 रुपये भले ही महंगा है लेकिन आपके लिए अच्छा फ़ोन है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही कंपैरिजन लेके आता रहूँगा। नमस्कार।